नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल वी के प्रोडक्शन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश वुमेन रीजनल T20 में होने वाले एक और लीग मुकाबले की, जो कि खेला जाने वाला है अब से लगभग 8.5 घंटे के बाद साउथर्न वाइपर्स और सेंट्रल पार्क्स के इस पार्क के बीच में। अब से लगभग 8.5 घंटे के बाद ये दोनों टीमें आपस में भिड़ेंगी। काफ़ी मज़ेदार मुकाबला दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है। हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे दोनों ही टीमों के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे, और फाइनली चुनेंगे अपने टॉप 11 फ्रेंडशिप पिक्स, जो आपको ड्रीम 11 है या फिर किसी भी अदर फ्रेंडशिप प्लेटफॉर्म में एक अच्छी विनिंग करवा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट उससे पहले आपको बता दूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल वी के प्रोडक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट ताज़ा अपडेट पाने के लिए। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल वीके प्रोडक्शन, इसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेड टू हेड के लगभग सभी पॉसिबल टीम आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें दोस्तों दोनों ही टीमों के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे, तो देखिए यहाँ पे है विकेट कीपर यहाँ पे थोड़े ऑप्शन अच्छे हैं। या तो आप लीजिए एमी जोन्स को अगर खेलती हैं तो, जो कि मुझे नहीं लगता खेलेंगी, तो अगर नहीं खेलती हैं तो फिर यहाँ पे एक ही ऑप्शन अच्छी है, वो है यहाँ पे जी रिवाइस। मुझे लगता है यहाँ पे बेटर रहेगी। काफ़ी तीन के मैचों को देखें, फिर अभी D100 लीग भी देखे तो उसमें मुझे लगता है जी रिवाइस बेटर। रिसेंट का लास्ट जो मैच था उसमें इन्होंने 31 रनों की पारी भी खेली थी, तो यहाँ पे जी रिवाइस बेटर रहेंगी अकॉर्डिंग टू। सेकेंड ऑप्शन अगर आप चाहें तो सी हिल को ले सकते हैं। बस सी हिल ने भी पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था, 32 पॉइंट जिला, उसके बाद ये भी उतना अच्छा प्रदर्शन किया नहीं, तो यहाँ पर मैं फिलहाल विकेट कीपर सी रिवाइस के साथ जा रहा हूँ। चलिए बात करते हैं यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर की। तो बैटिंग ऑर्डर में देखिए डैनियल वाइट अभी तक तो कोई मैच लीग खेली नहीं, तीन खेलते हैं जो खिलाड़ी तो बात अलग है, तो आप लीजिए बड़ा नाम है फिलहाल। यहाँ पे ई जोन्स को आप जरूर लीजिए, ऑलराउंडर की भूमिका निभा सकती हैं, बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। देखिए रिसेंट में 3 विकेट लिए थे, 27 रन किए थे, और हर मैच में अच्छा प्रदर्शन कर रहे, हर बार टीम का हिस्सा ही बन रही, फिर 50 रन किए थे, तो ये खिलाड़ी काफ़ी मज़ेदार है, आपको इन्हें लेना ही पड़ेगा। साथ में मैं अपनी टीम में लूँगा जी एडम्स भी काफ़ी अच्छा कर रही है, हर मैच में पहला मैच छोड़ दिया जाए तो हर मैच में इसमें पिक सीजन के दोनों मैचों में अच्छा किया, एक मैच में 37, एक मैच में 50 रन की पारी खेली। देन यहाँ पे जो मेरा टेल बैट्समैन होगा या तो आप वुचियर को लीजिए, वुचियर ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, ये देखिए हर बार ड्रीम इलेवन टीम का हिस्सा बनती जा रही हैं, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स लाए हैं 80, 33, 39, तो आप इन तीनों को तो छोड़ ही नहीं सकते, आप इन तीनों को ज़रूर लीजिए। ओके, देन जब फोर्थ बैट्समैन आप कैली के साथ जा सकते हैं, बिकॉज नीचे आती हैं लेकिन दो बार ड्रीम इलेवन टीम का हिस्सा हो चुकी है ये खिलाड़ी भी, तो यहाँ पे आप कैली को ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, बाकी यहाँ पे इतनी कोई अच्छी चॉइस है नहीं। ऑलराउंडर अगर सेक्शन की बात की जाए दोस्तों, तो ऑलराउंडर में लेना चाहूँगा ईयर लोट बैटिंग करने भी ऊपर आती हैं, प्लस बॉलिंग भी कर दी हूँ, पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था 1 विकेट 22 रन, और D100 में भी इनका प्रदर्शन अच्छा देखने को मिला है। हालांकि इस के दो मैचों में इनका यहाँ पे ख़राब प्रदर्शन है, लेकिन मुझे लगता है इन्हें लेना चाहिए। D100 लीग में अच्छा प्रदर्शन किया था, ई लुइस बिल्कुल लेना चाहिए, छोड़ नहीं सकते हैं, बाकी यहाँ पे मुझे इतना कोई खास खिलाड़ी दिख नहीं रहा है। जी जॉर्जिया लुइस आप जानते हैं, हर मैच में अच्छा प्रदर्शन किया है, साथ में सीडेन भी अगर रिसेंट के मैचों में काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रही हैं आपको, तो मैं यहाँ पे 3 ऑलराउंडर के साथ जाऊँगा। एंड बॉलिंग सेक्शन की बात की जाए, जब बॉलिंग सेक्शन अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे मैं लेना चाहूँगा जी डी वाइस काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं अभी तक, 150 पॉइंट 112 पॉइंट 40 पॉइंट दिला चुकी हैं बैटिंग बॉलिंग से अपने। आई वॉन्ग अच्छा प्रदर्शन है, एंड सी टेलर को अभी आप ले सकते हैं, सी टेलर ने भी अभी रिसेंट के तीनों मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, पहला मैच छोड़ के अगर देखा जाए तो हर मैच में ये 2 से 3 विकेट ले रही हैं। एंड अगर आप चाहें टीन मोरिस को भी ले सकते हैं, तो मैं टीन मोरिस को रूल लूँगा, टीन मोरिस ज़्यादा बेटर है सी डी एन से भी, को तीनों मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अगर आपको मिल जाए सी टेलर तो मजे हैं। हमारे पास 5 पॉइंट का इशू आ रहा है, तो जैसे हम टेलर्स को नहीं ले पाए, लेकिन यहाँ पे आप एलवेल को ले लीजिए, एलवेल भी बेहतर ऑप्शन है, अच्छी ऑप्शन है, विकेट्स ले सकती हैं, हालाँकि आपको यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन अभी जो रिसेंट के D100 लीग में उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, तो फाइनली टीम कुछ इस तरह से बन रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं।
एज अ विकेट कीपर मैंने लिया है ची डिवाइस को, थ्री बैट्समैन लिए हैं ई जॉन्स, ची एडम, एम बूचिया, एंड एज अ फोर्थ बैट्समैन आप ले सकते हैं यहाँ पे एम कैली को। फोर थ्री ऑलराउंडर के साथ जा रहा हूँ, ईयर लॉर्ड ची डिन लीस के साथ जा रहा हूँ मैं, बाकी यहाँ पे कोई इतना अच्छा ऑप्शन मुझे दिखा नहीं है। बॉलिंग सेक्शन की अगर ज़रूरत बात की जाए तो बॉलिंग सेक्शन पे यहाँ पे मिल जाएंगे आपको जी डिवाइस, आई वॉन्ग, टीन उरिस, एल वेल, दैन पाँचवा बॉलर जो मुझे लगता है सी टेलर, ये भी आपको लेना चाहिए। अगर सी टेलर को आपको लेना है तो भी आप अरलोड को हटा सकते हैं और अरलोड की जगह ले सकते हैं, लेकिन अरलोड एक अच्छी ऑप्शन है मुझे लगता है। तो अब तीनों ऑलराउंडर रखें तो बेटर रहेगा, इस टीम के साथ जाइए। कप्तान वाइस कप्तान की दोस्तों बात करें जाए यहाँ पे, एज अ कैप्टन मुझे लगता है जो सीडीन है ज़्यादा बेटर रहेंगी। वाइस कप्तान के तौर पे मैं ई जॉन्स को लेना चाहूँगा, बिकॉज अभी रिसेंट की जो फॉर्म थी उसके हिसाब पे मुझे लगता है ई जॉन्स बेटर रहेंगी। सो फाइनली टीम रेडी हो चुकी है, इसे सेव करके रख देते हैं। चलिए देख लेते हैं अगर दूसरी टीम बनती है तो क्या बनेगी। दूसरी टीम थोड़ा सा ग्रेन लीक लिए तो मैं जी डाई डिवाइस लूँगा, थ्री बैट्समैन मेरे यही रहेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं यहाँ पे बूसिया की जगह एम कैली को लेना चाहूँगा। देन ऑलराउंडर सेक्शन, ऑलराउंडर सेक्शन में अलॉट रहेंगे, सी डीन रहेंगे एंड जी लुइस को मैं हटा रहा हूँ अपनी टीम से, आई वॉन्ट सी टेलर को मैं अपनी टीम में रखूँगा, फाइव बॉलर्स के साथ जाऊँगा। दैन कैप्टन वाइस कप्तान की बात कर, कैप्टन ई जॉन्स को लूँगा, वाइस कप्तान अरलॉट को लूँगा, माफ़ी जाऊँगा सी डीन को लूँगा, थोड़ा सा इंटरचेंज कर रहा हूँ। दैन सेप ये जो मेरी सेकंड टीम है, आप इसे आप ग्रैंड लीग में यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्की है बट ग्रैंड लीग में आपको थोड़ा सा मुझे लगता है अच्छा प्रदर्शन करते हुए देगी। आप हार तो नहीं सकते इस टीम से फिलहाल, एक संतुलित टीम मुझे लगता है नज़र आ रही है ग्रैंड लीग के लिए, बिकॉज ईजी एन देखिए इधर से भी चार लोग बॉलिंग करेंगे, सीडीन, टीन उरिस, एलवेल, सी टेलर, उधर से भी चार लोग बॉलिंग करेंगे ई जॉन्स, ईयर लॉट, आई वॉन्ग एंड जी डिवाइस, तो बॉलिंग के नज़रिए से काफ़ी संतुलित है, तो आप इस टीम को ग्रैंड लीग में यूज कर सकते हैं। ओके सो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी ये दोनों टीमें अच्छी लगी हों और हमारी ये प्रोडक्शन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे लेटेस्ट आज अपडेट आने वाले प्रत्येक मैच की आपको मिलती रहे। और साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल वीके प्रोडक्शन, इसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हेड टू हेड की सारी टीम्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, अगर लिंक के थ्रू ज्वाइन नहीं हो तो डायरेक्ट सर्च कीजिए टेलीग्राम पे वीके प्रेडिक्शन और हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।